हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चंस बैंक पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज 16/12/2020 को एक और परिणाम जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये परिणाम जारी करा है और इसमें जो प्रोविजनल और वेटिंग लिस्ट के जो अभ्यर्थी थे उनका ये परिणाम है। तो आप देख सकते हैं किस चीज़ का परिणाम है ये। बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए पशुधन सहायक भर्ती 2018 जो आपकी हुई थी तो उसमें ही आपके जो प्रोविजनल रहे थे अभ्यर्थी और वेटिंग लिस्ट के कुछ अभ्यर्थी थे तो उनका ये परिणाम जारी किया गया है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1880 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 235 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन कर पदस्थापन हेतु पशुपालन विभाग को पूर्व में अभिशंसा भिजवाई जा चुकी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 21 पद 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रहे हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में पशुधन सहायक के पद पर प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों में से पात्र पाए गए एवं शेष रिक्त पदों के विरुद्ध श्रेणीवार वरीयता से एवं कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर श्रेणीवार वरीयता से पात्र निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाकर पदस्थापन हेतु अभिशंसा पशुपालन विभाग को प्रेषित की जा रही है। तो आप ये देख सकते हो जो नॉन टीएसपी एरिया है इसमें से आपके जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, 4 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं और कट ऑफ आप देख सकते हो 147.4725 आपकी कट ऑफ रही। इसके अलावा जो आपका अनुसूचित क्षेत्र यानी आपका जो टीएसपी एरिया है उसमें भी आप जो है देख सकते हो इसमें ज़्यादा पद खाली थे तो इसमें काफ़ी लोगों का हुआ है और इसमें आप कट ऑफ देख सकते हो जनरल की 123 है, एससी 88, एसटी 99। और इसके अलावा जो नीचे इन्होंने दे रखा है उक्त भर्ती में पूर्व में अंतिम चयन किया जाकर विभाग को अभिशंसा की गई थी, निर्धारित समय सीमा में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को वरीयता के अनुसार चयन किया जाकर अभिशंसा विभाग को भिजवाई जा रही है। तो ये जो दूसरा था आपका नॉन ज्वाइनर्स जो थे उस अभ्यर्थियों के स्थान पर यानी वेटिंग लिस्ट वाले जो है उनके स्थान पर जो इन्होंने निकाला है तो आप देख सकते हो जो ये कट ऑफ है इनकी और जो एस जनरल की एसटी और ओबीसी की जो इन्होंने कट ऑफ दे रखी है ये आपके नॉन टीएसपी एरिया की है। इसके अलावा जो आपका टीएसपी एरिया है उसकी आप कट ऑफ देख सकते हो और इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो परिणाम आज जारी हुआ था उसकी न्यूज़ थी। एलएसए रिज़ल्ट 16/12/2020 को जारी किया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो ख़त्म करते हैं अब, धन्यवाद।